गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आपका अपना क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर नेट के आए हुए क्वेश्चन, जो आपके केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ एवरी डे ऑफ लाइफ का है। तो इसका हम आंसर देखेंगे, इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पहला है डाई एजो कपलिंग इज यूजफुल ऑफ टू प्रिपेयर ऑफ सम, 1994 में AIPMT का क्वेश्चन है। तो इसका है क्या, डाई में डाई एजो कपलिंग इज रिएक्शन यूजफुल टू प्रिपेयर सम डाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेंड बाय रिएक्शन। क्लोरोपिक्रीन आपको पता होगा कि नाइट्रिक एसिड की क्रिया क्लोरोफार्म से करवाते हैं, जो 2004 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, रटा रटा हुआ क्वेश्चन है, तो डी मार देते हैं। अगले तरफ का क्वेश्चन, अगली तरफ का एक क्वेश्चन थर्ड है, क्या है, क्लोरो एम्फीफेनिकॉल इज एन, क्या है बताइए, क्लोरो एम्फीफेनिकॉल क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि एंटीसेप्टिक है या एंटाहिस्टामिन है या एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो यह है एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मीन्स 2012 का क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला है, सब आप याद कर लीजिएगा। विच इज फॉलोइंग फांस कैटानिक मिसल एवं सर्टेन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, 2004 का क्वेश्चन है, इसमें मिसल बनाने की बात कर रही है, किससे बन सकता है, तो होगा सोडियम डायोडाइक्लोरो सल्फेट, इससे नहीं बनेगा, सोडियम एसीटेट इससे भी नहीं बनेगा, यूरिया इससे भी नहीं बनता, साइटोट्राइमिथिल एमिनोलर ब्रोमाइड एमोइनल ब्रोमाइड, 2004 का क्वेश्चन है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, डिटॉल जो हम घरों पर यूज करते हैं, डिटॉल लगाते हैं, तो ये किससे बना होता है, कर्नाटक नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, किससे बना होता है, तो ये बना होता है क्लोरोजाइलोन एंड ट्राइपिनिकॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड क्लोरीन, ओडिशा नीट में आया है 2019 में, तो इसका आप देखिए बताइए कौन सा होगा, सैक्रीन नहीं होगा, कोल्ड में होता है सैक्रीन, एस्पारमेट ठंडे में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैक्रुलोज, ऑप्शन सी, इस पर हम ऑप्शन सी टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ इसी प्रकार हम चलते हैं, विच वन द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटाहिस्टामिन, बताइए, 2011 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरोनोपिनिकॉल डाइफिनाक्सी हाइड्रासमीन, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, बाइथोनकल बिथोइनोलर, इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, जनरली एडेड टू सॉप एज एडेड टू फंक्शन ऑफ, सॉप में क्यों लाते हैं बाइथोनोल, तो इसे एंटी सेप्टिक का कार्य करता है, इसीलिए हम इसको डालते हैं, सॉप में मिलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीच इज फॉलोइंग टू एनाल्जेसिक, इसमें दर्द निवारक दवा कौन सा है, एनाल्जेसिक कौन सा है, तो इसमें नोबालजिन दर्द निवारक दवा, पेंसिलिन आप जानते ही हैं, वैक्सीन है,
वैक्सीन नहीं है क्या? है पेंसिलिन, वैक्सीन ही है। रस्सी मार लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, क्या होगा? एस्पारमेट। सैक्रिलेज आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर रहता है, एस्पारमेट जो होता है वो कोल्ड टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन द फॉलोइंग एम्प्लॉयज एट द ट्राइकुलाइजर, इसमें से ट्राइकुलाइजर क्या है? इक्वानील इसमें ट्राइकुलाइजर है। 2009 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है? विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एम्फ्लिसिम इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक, तो भाई यही तो गलत है, कोई हमें ढूंढना ही नहीं है। एम्फ्लिसिन भी बनाया जाता है पेनिसिलिन से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से यूज करने के लिए, तो ए मार देते हैं। तो अगला चलते हैं। मिक्सचर ऑफ द क्लोरोजाइलोन एंड ट्राइफिनॉल एक्टेस, इसका क्या होगा? ये तो हमको लगता है डिटॉल की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक, सही है। बताइए, डिटॉल देख लीजिए। चलो अगला चलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, घुसते हैं। स्प्रीन इज एसिटाइलाइजेशन प्रोड्यूसर ऑफ, स्प्रीन किसके एसाइलेशन से बनाया जाता है, क्या बताया? ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट, कौन सा होगा? नीट 2020, जस्ट पिछले ईयर का क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा? इसका सी आंसर है। चलिए अगला चलते हैं। इसको तो आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। नीट 1997 का क्वेश्चन है। क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैन पॉसिबली बी यूज एस एनाल्जेसिक विदाउट कासिंग एडिशन एंड मूड मॉडिफिकेशन, कौन सा किया जाता है? तो मार्फिन, मार्फिन नहीं किया जाता। टेट्रा हाइड्रोकैटॉल कैटॉल ये भी नहीं किया जाता। डाइएजाइपन ये भी नहीं किया जाता, तो कौन सा किया जाता है? यान एसिटिल पैरा एमिनो फिनॉल, इसका डी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमें ट्रैकुलाइजर बताना है। नीट 2010 का क्वेश्चन है। ट्रैकुलाइजर बताना है, तो इसका होगा बेलियम। ट्रैकुलाइजर यही इसमें दिया गया है, और सब एंटी फर्टिलिटी ड्रग व्रग वही सब दिए हैं। माई पिस्टोन तो एंटी फर्टिलिटी ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से हमें क्या कहता है? नॉट ट्रू भेजा है क्या? एंटीसेप्टिक एंड डिस्फाइसर आइदर किल प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो क्या होगा बताइए? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, तो यही नॉट ट्रू है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक एंटीसेप्टिक होते हैं, और हमें नॉट ट्रू देखना है, तो यही सही हमारा आंसर होगा। बोथ हो तो हमें देखना नहीं है, तो ए मार देते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें पूछा गया है, तो बताइए, सोचिए सोचिए,
इसको छोड़ दें मिश्रा जी, मिश्रा जी इसको कमेंट में बताइए कौन सा आंसर है कि छोड़ दें। नीट 2029 का है, मतलब 2019 का क्वेश्चन है, तो बताइए। हम ही बता देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बी आंसर लगा देते हैं, कल शायद नहीं लगाए थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुँचाइए ताकि और सब फ़ायदे में हो, खास करके इसकी जिम्मेदारी प्रिंस मिश्रा को है।